नमस्कार मेरे दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो में मैं आपको अपने घर का टूर करवाने वाला हूं और यहां का रेंट कितना है, लोकेशन कैसी है, और जब भी आप अगर विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं तो आपका जो है कितना खर्चा हो सकता है, कहां पे आपको ठहरना है। थोड़ी सी मैं आपको जो है चाइना के हाइनान प्रोविंस आइलैंड है एक, ये सैया में, तो इसके समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच, तो यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती है और कितना तक आपका खर्चा हो जाता है एक महीने का, वो सारा मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हो सकता है कि कभी आपको भी विदेश जाना पड़े, या आपको भी कभी जो है बिजनेस टूर से जाना पड़े, या आप भी अपनी फैमिली को लेके जाना चाहें, तो आपको पता चलना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि भैया कितना अगर खर्चा जो है हो जाता है। सो मेरे दोस्तों, जैसे ही आप एंट्री करते हैं यहाँ पे, 10th फ्लोर पर मेरा घर है और बाहर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, बड़ा स्विमिंग पूल है, छोटा स्विमिंग पूल बच्चों के लिए है और बच्चों को खेलने के लिए प्रॉपर जगह है। अब एंट्री करते हैं घर के अंदर। तो यहाँ पे किचन आप देख सकते हैं, हमारा किचन कुछ इस तरह का है। दोस्तों, मैं पहली बात बताना चाहूँगा, मैंने जब भी मैं छांगछुन में रहता हूँ नॉर्थ चाइना में, वहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है -20, -30 degrees तक, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। और यहाँ पे बिल्कुल समुंदर के बीच में एक आइलैंड है, सैया, हाइनान प्रोविंस है, ये पूरा का पूरा प्रोविंस जो है समुंदर के बीच में है। मैं साइड में एक इमेज दिखा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आके छांगछुन में, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, साल में एक महीने छुट्टी काटने के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो यहाँ पे एक महीने में आपको बता देता हूँ कि खर्चा, भाई मैंने होटल रेंट पे नहीं लिया है। होटल में क्या होता है दोस्तों, क्या आपको एक कमरा मिलता है, उसमें आप खाना नहीं बना सकते हो, फैमिली के साथ आप अगर रहते हो तो थोड़ा कंजेस्टेड सा होता है, आप खाना नहीं, क्योंकि होटल्स के अंदर आप खाना नहीं बना सकते हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक महीने के लिए पूरा का पूरा घर जो है फ्लैट रेंट पर ले लिया है, 2 BHK, वो अब दिखाऊँगा आपको, पूरा मस्त लगेगा। सो पहली बात, यहाँ पे एक बेडरूम हमारे पास यहाँ पे है, जो कि काफ़ी अच्छा बेडरूम है, और यहाँ से एक विंडो है, और इसमें देखो दोस्तों काफ़ी अच्छा स्पेस है। अगर मैं होटल में ठहरता तो इतना ही रूम मुझे जो है 3000 रुपीज़ से 4000 रुपीज़, 5000 रुपीज़ का इस सिटी में मुझे मिलता, ठीक है। और उसके साथ साथ मेरे पास अभी एक बेडरूम और है, और इस बेडरूम को आप देख लीजिए, अगर मैं होटल में ठहरता तो इसका भी मुझे थ्री से फाइव थाउजेंड रुपीज़ मुझे पे करना पड़ता, बिकॉज़ इसकी लोकेशन जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल समुंदर हमारे पास में है, बिल्कुल सामने। और इसके अंदर आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलती है, इस फ्लैट के अंदर आपको यहाँ पर अलमारी सब कुछ अच्छी मिल जाती है, ठीक है, ये तो खैर आपको होटल में भी मिल जाती है। अगर मैं इस फ्लैट की वजह अगर होटल में रुकता मेरे दोस्तों, तो मुझे जो है एक महीने का रेंट जो है 1,00,000 रुपया देना पड़ता, और इस घर में भी ठहरने का मैंने रेंट जो 1,00,000 रुपया ही दिया है। और आप सोचोगे रवि भाई, एक महीने का रेंट 1,00,000 रुपया तो बहुत ज़्यादा हो गया। भाई ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अगर हिसाब लगाओगे, आप भी अगर दिल्ली कहीं, गुड़गांव या कहीं जाते हो, तो 1-2 हज़ार रुपये आपके जो है 1-2 हज़ार रुपये का आपको अच्छा होटल मिलता है, लेकिन उस पर आपको एक कमरा मिलता है। और यहाँ पे क्या है, आपको पूरा फ्लैट मिला है, 2 BHK मिला है, और उसमें जो है एक दिन का किराया 3000 रुपीज़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो बहुत सस्ता पड़ा है भाई, आप उस हिसाब से लगाओगे तो। इंडिया में ही 2 से 3 हज़ार रुपये का एक कमरा, अच्छा कमरा मिलता है होटल में, तो यहाँ पे तो भाई हमें बहुत अच्छा सस्ता मिल गया फिर तो उस हिसाब से। और यहाँ पे अच्छी बात क्या, होटल में दोस्तों आप खाना नहीं बना सकते, यहाँ पर आप आराम से खाना बना सकते हैं, देख सकते हैं। कभी भी आप बाहर घूमने के लिए जाओ तो इस तरह के होटल्स आपको मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रिज आपको मिल जाती है, ठीक है, सामान आपको खुद से खरीदना पड़ता है, खाना बना सकते हो, और आपके पास पूरा फ्रीडम है यहाँ पे, कैसे भी रहो, अपनी फैमिली को बुलाओ, 5 लोग 10 लोग कैसे भी रहो। किचन भी काफ़ी अच्छा किचन है, और ये देखिए खाना बनाते हुए अगर आप चाहें तो, ज़्यादा शोर शराबा अगर होता तो गेट, इसका दरवाज़ा जो बंद कर सकते हैं किचन का। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी LCD लगी हुई मिल जाती है, और घर के अंदर काफ़ी सुंदर सा यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, 4 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, और काफ़ी सुंदर पेंटिंग आप देख सकते हैं। और यहाँ से भी, हमारे घर के बाहर से भी काफ़ी अच्छा व्यू है,
अगर आपको एक दो महीने के लिए रहना है, घर किराए पे लेना चाहिए, होटल में नहीं ठहरना चाहिए, आपको यहाँ पे काफ़ी फ्रीडम मिल जाता है। ये देखिए वॉशिंग मशीन, अपने कपड़े आराम से धो सकते हैं, सुखा सकते हैं। वाह, इनका स्विमिंग पूल बहुत ही ज़्यादा साफ है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, आप देख सकते हैं। सोच रहा हूँ अगर टाइम मिलेगा तो अमन को भी लेके जाऊँगा स्विमिंग के लिए। अमन वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ये देखो जी आपका भतीजा अब तो बड़ा भी हो गया, शरारत भी करने लग गया है। ए, 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 चिपक गया मेरी टांगों से आगे। दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।